जेडीयू के अंदर का जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले ही जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जेडीयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने उन्हें झुंझुना थमा दिया है। उन्हें कोई पावर नहीं दी गई है, सिर्फ उनके हाथ में एक झुंझुना थमा दिया गया है। इसे लेकर बीते दिनों बिहार सरकार के दो मंत्रियों श्रवण कुमार और जयंत राज का रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा कि जब उपेंद्र कुशवाहा को यह झुंझुना लग रहा था तो दो सालों तक वो इस झुंझुने को लेकर क्यों बैठे हुए थे, उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें ये पावरफुल पोस्ट नहीं लगता है तो वो ही बता दे कि जेडीयू में इससे बड़ी पोस्ट और इससे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट कौन सी है। इस पर जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से आज सवाल किया गया तो वो साफ तौर पर इससे बचते नजर आए। उन्होंने कन्नी कटा ली और इस पर कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने आज कई आरोप लगाए हैं और कई चीज़ों का खुलासा भी किया है। उसे लेकर भी जब उमेश कुशवाहा से सवाल किया गया तो वो मुस्कुराते हुए कन्नी कटाकर निकल गए। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर किस तरह से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कन्नी कटाकर निकलते नजर आ रहे हैं आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। देखिए अभी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रहा है और पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी ये प्रदेश मुख्यालय से लेकर हर प्रखंड मुख्यालय तक के पार्टी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मना रही है किया गया है और उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी और सभी लोग शरीक हो रहे हैं। अब ये सब चीज पर सवाल जवाब नहीं करिए, सीधे आप लोग सब चीज़ समझ रहे हैं, समझे कि जो जगदेव बाबू जो चाहते थे, जगदेव बाबू का जो सपना था, जो शोषित समाज, जो उपेक्षित समाज, उसको आगे बढ़ाने का, इसको लेकर जो हम लोग ने हमारे नेता ही श्री नीतीश कुमार जी हैं जो उनके आदर्शों और उनको विचारों को लेकर चल रहे हैं। चलिए अब इस पर आइए आइए, आपके ऊपर आरोप लग रहा है सर कि आप फुटबाजी में हैं और आप ही षड्यंत्र रच रहे हैं। आइए ना कार्यक्रम में आइए, पहले कुशवाहा को साइड लाइए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।